वर्ल्ड कप 2023 का रोमांच अब चरम पर पहुंच गया है। सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंचने के लिए घमासान मचा हुआ है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम आपस में लड़ रही है एक दूसरे की जीत और हार पर कौन सी टीम अंदर अपनी जगह बनाएगी, यह फैसला होना है। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर सभी की नजरें हैं और इंग्लैंड के साथ होने वाले इस मुकाबले में पाकिस्तान को कितने रन से जीत हासिल करनी होगी जिसके बाद वह सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाएंगे। लेकिन अगर आप भी चाहते हैं भारत और पाकिस्तान का सेमीफाइनल मुकाबला हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वर्ल्ड कप 2023 अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अब वह समय आ चुका है जब अंतिम चार टीम सेमीफाइनल मुकाबले में पहुंचेंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान की स्थिति काफी ज्यादा नाजुक थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि शायद यह टीम अब सेमीफाइनल में जगह नहीं बन पाएगी। लेकिन लगातार दो जीत के बाद और न्यूजीलैंड की कर लगातार हार के बाद समीकरण पूरी तरह से बदल चुका है, रोंगटे खड़े हो गए हैं न्यूजीलैंड की टीम के समर्थकों के, तो वहीं पाकिस्तान के समर्थकों में नई ताकत देखने को मिली है। लेकिन आपको बता दें सेमीफाइनल में जगह बनाने की दौड़ में अफगानिस्तान का नाम भी शामिल है। चार मुकाबले जीतकर 8 अंक उन्होंने भी हासिल किए हैं, लेकिन उनके दो मुकाबले काफी मजबूत टीमों से हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबला खेला जा रहा है तो वहीं दक्षिण अफ्रीका के साथ उनका एक मुकाबला है। अगर अफगानिस्तान की टीम इन दोनों में से एक मुकाबले भी जीत जाती है तो वह प्रबल दावेदार बन सकती है सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अब सवाल खड़ा होता है कि पाकिस्तान किस तरह से सेमीफाइनल में पहुंचेगी। तो आपकी जानकारी के लिए बता दे कि पाकिस्तान को अपना अंतिम मुकाबला इंग्लैंड के साथ हर हाल में जीतना ही है और जीतने के साथ न्यूजीलैंड का होने वाला श्रीलंका के साथ मुकाबला पाकिस्तान की हार और जीत पर काफी ज्यादा रोशनी डालेगा। अगर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से मुकाबला को हार जाती है तो पाकिस्तान इंग्लैंड को हराकर सीधा सेमीफाइनल मुकाबले में अपनी जगह बना लेगा। लेकिन अगर न्यूजीलैंड की टीम श्रीलंका से मुकाबला को जीत जाती है तो पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा मुश्किलें खड़ी हो जाएगी। फिर पाकिस्तान को नेट रन रेट में इजाफा करने की जरूरत होगी और वह भी बहुत बड़े अंतर से। मुकाबला को जितना होगा, नेट रन रेट की अगर बात की जाए तो अभी न्यूजीलैंड का +0.398 है तो वहीं पाकिस्तान का +0.036 है। पाकिस्तान को इस मुकाबले में करीब इंग्लैंड को 150 से भी ज्यादा रन से हराना होगा और अगर पाकिस्तान की टीम बाद में बल्लेबाजी करती है तो लगभग 30 ओवर में 2 विकेट होकर लक्ष्य को हासिल कर लेना है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में अपनी जगह बन पाएगी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या पाकिस्तान की टीम फखर जमान के आने के बाद यह बड़ी जीत हासिल कर सकती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।